हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में पीएम मोदी ने कहा, कोविड-19 की चुनौती अभी टली नहीं, सतर्क रहने की है जरूरत। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और कहा कि कोविड-19 की चुनौती अभी टली नहीं है। ओमिक्रॉन और उसके सब वेरिएंट्स गंभीर परिस्थिति पैदा कर सकते हैं, यह हम देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में मामले बढ़ रहे हैं, उससे हमें सतर्क रहना है। बकौल मोदी, भारत ने कई देशों की तुलना में हालात पर बेहतर नियंत्रण रखा है। एक स्टडी के मुताबिक अमेरिका में 4 में से 3 बच्चों को कोरोना वायरस संक्रमण हुआ है। जी हां, अमेरिका के CDC शोधकर्ताओं ने कहा कि अमेरिका में हर 4 में से 3 बच्चे कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। उन्होंने यह भी पाया कि आधे से अधिक अमेरिकियनों में पिछले संक्रमण के लक्षण थे। सभी उम्र के अमेरिकियों के मामले में लगभग 34% में दिसंबर में पूर्व संक्रमण के लक्षण थे और 2 महीने बाद 58% ने किया। दिग्विजय सिंह का बड़ा आरोप, कहा ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी कर रही है हिंदू मुसलमान। जी हां, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने हाल ही में खरगोन जिले में हुई सांप्रदायिक लड़ाई की ओर इशारा करते हुए शिवराज सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि बेरोजगारी और महंगाई की समस्या प्रदेश में नहीं बल्कि देश भर में है, लेकिन बीजेपी की सरकार लोगों का ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान कर रही है। दिल्ली मेट्रो ने फिर से लागू किया कोविड प्रोटोकॉल, मास्क न लगाने पर कटेगा चालान। जी हां, दिल्ली मेट्रो ने फिर से कोविड-19 प्रोटोकॉल लागू कर दिया है। प्रोटोकॉल का पालन न करने वाले लोगों को ₹500 का जुर्माना भरना पड़ेगा। बता दें कि मेट्रो स्टेशन में एंट्री देते वक्त CISF के जवानों के द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि लोग मास्क पहनकर ही अंदर प्रवेश करें। प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल न होने पर बीजेपी ने कहा, परिवारवाद का उत्पाद नहीं बेचा जा सकता। जी हां, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की पेशकश ठुकराने के बाद बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि यदि उत्पाद खराब है तो बेचने वाला भले ही कितना भी अच्छा हो, परिवारवाद के उत्पाद को नहीं बेच सकता। बकौल पूनावाला, कांग्रेस पार्टी का एजेंडा परिवार बचाओ है, न कि पार्टी बचाओ। यूपी के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कहा, अत्यधिक गर्मी के कारण बढ़ी है बिजली की मांग। जी हां, उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कहा कि उनका प्रयास है कि लोगों को निर्बाध बिजली मिले और वह इसके लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में अत्यधिक गर्मी के कारण बिजली की मांग बढ़ गई है। बकौल शर्मा, मैं पिछले 4 साल के आंकड़े देख रहा था, इस साल मांग सबसे ज्यादा है। जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की यात्रा पर जाएंगे पीएम मोदी, 2022 में उनका पहला विदेश दौरा। जी हां, विदेश मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 से 4 मई के बीच जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की आधिकारिक यात्रा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की 2022 में यह पहली विदेश यात्रा होगी। बकौल विदेश मंत्रालय, 4 मई को यात्रा से वापसी के दौरान प्रधानमंत्री कुछ समय के लिए पेरिस में रुकेंगे और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मिलेंगे। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।